हेलो गाइस, आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर सिंह पर। तो आप सभी लोगों को पता है कि आज बिहार शिक्षक बहाली 2.0 और सबसे ज्यादा जो फॉर्म भरा गया था वो इसी में भरा गया था, 6 to 8 की वैकेंसी के लिए, जिसका आज पेपर जो है सकुशल संपन्न हो गया। लेकिन पेपर देकर जितने भी छात्र वापस आ रहे हैं वो एक ही बात करें कि सर पेपर इस बार भी बहुत ज्यादा टफ था। जो इस बार बीपीएससी के चेयरमैन ने कहे थे कि अब की बार पेपर नॉर्मल बनाया जाएगा, प्राइमरी के जैसा पेपर इस बार नहीं रहेगा टफ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, पेपर आज भी टफ आया था। बहुत सारे छात्र जो है बहुत ज्यादा परेशान हुए, रोते हुए घर गए। तो फिलहाल अगर हम बात करें आज के पूरे ओवरऑल पेपर के एनालिसिस की, तो जो यहाँ पर लैंग्वेज का पेपर आया था यानी जो क्वालिफाइंग था वो तो इजी था, और साथ ही साथ जो यहाँ पर 40 नंबर जो सामान्य अध्ययन था वो भी जो है इजी ही कह सकते हैं उसको एक तरीके से। लेकिन जो खास तौर पर मैथ और साइंस वाले जो छात्र हैं वो बहुत ज्यादा परेशान हुए, क्योंकि मैथ के जो क्वेश्चंस आए थे वो लेंदी आए थे थोड़े से, क्योंकि लग तो जा रहे थे लेकिन उसको सॉल्व करने में टाइम लग रहा था। वहीं पर साइंस की अगर हम बात करें तो साइंस को मॉडरेट टू जो है डिफिकल्ट हम कह सकते हैं, इजी टू मॉडरेट नहीं कह सकते हैं, साइंस भी अच्छी खासी आई थी। फिलहाल आप लोग का पेपर कैसा गया आप लोग कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। बाकी कितने नंबर आपके सही जाएंगे उसके लिए आपको घबराने की जरूरत नहीं, ना ही ज्यादा टाइम आपको लगने वाला है। उम्मीद है कि आपको आज से कल में आपको आंसर की भी देखने को मिल जाएगी, क्योंकि कल आपने देखा होगा 9 से 10 का पेपर कल दिन में खत्म होता है और शाम को ही जो है आंसर की बीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाती है। तो उम्मीद है कि आज 6 to 8 की भी आपकी आंसर की आ जाए। अगर आज नहीं आएगी तो कल तक तो 100% आपकी जो है आंसर की आ जानी चाहिए, जैसा मुझे लग रहा है। ठीक है, बाकी अगर पेपर टफ गया तो आपको परेशान नहीं होना है, तो कट ऑफ पर भी उसका असर जाएगा, कट ऑफ भी कम जा सकती है, तो इसके लिए आप ना परेशान हो। तो फिलहाल पहले आंसर की आ जाने दीजिए, उसके बाद हम लोग एनालिसिस करेंगे कि कैसे कैसे और कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। बाकी अगर आप लोगों ने एसएसटी का पेपर दिया तो आप लोग भी कमेंट करके बताएं कि आपका पेपर कैसा था, कि आपका पेपर टफ था या इजी था, क्योंकि अभी मैथ्स वाले छात्रों ने, 2-3 छात्रों ने मुझे कॉल किया है और उन्होंने ही बताया कि लेवल कैसा था पेपर का। तो एसएसटी वाले छात्र आप भी कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी आंसर की जैसे ही आएगी मैं आपको अपने वीडियो के माध्यम से जरूर बताऊंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत।